मिशन आबाद के तहत गांव आदिया में लगाया गया कैंप, 663 लोगों ने लिया योजनाओं का लाभ। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए चलाए जा रहे मिशन आबाद के तहत सीमावर्ती गांव आदिया के सरकारी प्राइमरी स्कूल में विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें गांव आदिया के अलावा सीमावर्ती गांव चौतरा, सलाश, थम्मण और शाहपुर के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कैंप में 663 व्यक्तियों ने सरकार की अलग अलग भलाई योजना का लाभ लिया। कैंप में विशेष तौर पर पहुंचे पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस HS मदान ने कहा कि आबाद कैंप के जरिए लोगों को उनके गांव में ही सरकार की भलाई योजनाओं का लाभ देना जिला प्रशासन का बढ़िया प्रयास है। DC डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि कैंप का मुख्य उद्देश्य सीमा से सटे गांव में रहते लोगों की सरकार की भलाई योजना का लाभ देना है और साथ इन गांव में विकास पक्ष से जो खामियां हैं उसे दूर करना है। यह कैंप लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टर मरीजों की प्राथमिकता जांच करके मुफ्त दवा दे रही हैं। कैंप के दौरान सेवा केंद्र ने 26 आधार कार्ड और ई सेवा में जाति सर्टिफिकेट, आमदन, रूरल रेजिडेंस और बॉर्डर एरिया के 20 सर्टिफिकेट मौके पर जारी किए। माहिर डॉक्टरों द्वारा 107 मरीजों की प्राथमिक जांच करके उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गई। इस मौके पर जिला व सेशन जज राजेंद्र अग्रवाल, SDM दीनानगर परमप्रीत सिंह गोराया, सहायक कमिश्नर सचिन पाठक, सचिव राजीव सिंह, चांद ठाकुर आदि लोग उपस्थित थे। जो आबाद कैंप में आदमी का लगाया गया, इन लोगों को की बेनिफिट मिलेगा? कोई भी जरा अपना काउंटर खाली नहीं जाएगा। सी जब हमारी हुंदी सी उनकी बजाय सरकारी दफ्तर जड़े है उनका एक घर के नजदीक आके इसको सारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी बात है, इस शहर में भी आ गया और से बाहर भी आ गया है। सही देना लोग इस तो जागरूक हो गए जिहड़े आ किताबां और शूज और स्पोर्ट्स का समान और बाकी जिहड़े तुहाडा बॉर्डर एरिया है उन्हों अगे ले जाण वास्ते लोगों तरक्की वास्ते जो अलग अलग कदम चुक रहे हैं बहुत खुशी की गल है और इस तरह ये जारी रहे। मैं तुहानू सारिआं नूं एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक दिंदा। हाँ जी।